थोड़ा बहुत तो नमक दाल का सिस्टम तो सभी का रहता है, लेकिन ये नहीं है कि दाल ही पूरी हम पी जाएं। उत्तर प्रदेश का कानपुर, यहाँ बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं। अब किदवई नगर से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी अपने फॉर्मूले को लेकर सुर्खियों में आए हैं। दरअसल बीजेपी विधायक ट्रांसपोर्ट नगर में 13 करोड़ रुपए की कीमत से बन रही सड़क के शिलान्यास में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दाल नमक के नाम पर फॉर्मूला दिया। बीजेपी विधायक ने कहा, दाल में थोड़ा बहुत नमक का तो सिस्टम चलता है, लेकिन यह नहीं कि हम पूरी ही दाल पी जाएं। उन्होंने क्या कहा सुनिए। थोड़ा बहुत तो नमक दाल का सिस्टम तो सभी का रहता है, लेकिन ये नहीं है कि दाल ही पूरी हम पी जाएं। इसमें कोई आत्मा रोए ना, व्यवस्था भी चलती रहे और व्यवस्था के पक्ष में हम लोग काम करते रहे। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग, बहुत लोग, इसके पहले 15 साल यहाँ पर कांग्रेस का काम रहा, तो निश्चित रूप से जब दुख जनप्रतिनिधि होता है तो उससे हर तरीके के संपर्क संबंध भी हो जाते हैं। हमारा अपना ये जीवन रहता है कि जो पालेबंदी करके काम करता है और जो विचारधारा के लिए, हमने कभी भी आज तक ये काम कभी भी नहीं किया है कि हम विचारधारा में रहे और विचारधारा के खिलाफ ही खुराफात करें। मैं एक बार निर्दलीय रहा, पूरी मुलायम सिंह ने हमको मंत्री बना दिया बगैर गए, तो पूरी लोकसभा में राधे श्याम कोरी जीत कर आए, हार कर आए और हमारी विधानसभा में चुनाव जीत कर गए हमारी क्रेडिट पर। बेमई जैसे गांव में जहां पर 80% छत्री समाज के लोग रहते हैं, 20% अन्य समाज के लोग रहते हैं, हमारी क्रेडिट में पहली बार वहां पर सपा जीती और भी 22 लोगों को वहां पर मारा गया था, फिर भी हमारी क्रेडिट में वहां पर लोगों ने वोट दिया। और कमल रानी पूरी लोकसभा में हारी और वहां पर, क्योंकि हमने खुल के काम किया, हमने कभी ये नहीं किया है कि हम पार्टी में रहे पार्टी के खिलाफ काम करने का काम किए। कई ऐसे उदाहरण है हमारे जीवन का कि मैं बसपा में भी एक बार काम किया और चौथे नंबर में बसपा रहती थी, कभी भी बसपा नहीं जीतती थी वहां, लेकिन हमारी गुडविल में वहां पर हम जीते, पहली बार वहां जीती। न राजपुर में आज तक सपा कभी जीत पाई लोकसभा विधानसभा, न डेरापुर में बसपा आज तक जीत पाई और न जीत पाएगी। निश्चित रूप से अब हम भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही थे और 14 साल हमारा भी वनवास रहा। नागपुर में जिनका 3 लोगों का केंद्र है, हमको एक बार मिले वो 3 लोगों में, बोले महेश जी देखा जैसे आप आए वैसे पार्टी में बाहर आ गई। हमने कहा ये तो अपना अपना भाग गए वैसा। तो निश्चित रूप से जब हम पार्टी में 14 साल बाद वापसी किया तो बाहर भी आ गई, तो इस बाहर को कैसे मेंटेन करना।